चलो उतर तो ये हमारे जापानी चाचा हैं, उतर तो जापानी चाचा तो आज जाएंगे स्काईट्री। स्काईट्री के लिए कर रहे हैं जापानी चाचा। कहाँ जा रहे हो? छोटू भैया, छोटू भैया बहुत लेट है आज। हो गया चाचा, चाचा भी कहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं यार, देखते हैं जाने का सीन तो हमारा स्काईट्री का ही है, पर लेट ऑलरेडी हो गए हम। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ भी पहुँचेंगे आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है? चलो अभी मैं साइकिल चलाऊंगा तो बात नहीं कर पाऊंगा, फिर बात करता हूँ। आज स्काईट्री जाएंगे ज़रूर यार, स्काईट्री जाएंगे ज़रूर, देखते हैं। काफ़ी दूर है स्काईट्री, दिखाता हूँ मैं कहाँ पर जा रहे हैं साइकिल से आज। सामने कुछ क्रूज वगैरह घूमने के लिए, देखते हैं वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते। क्या सोचा था क्या? अच्छा आईडी। हाँ हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं भाई, 13 किलोमीटर चला के साइकिल आए हैं यहाँ पर, 13 किलोमीटर एक तरफ से, ठीक है। 1.5 घंटा लग गया आने में। फाइनली जिसके लिए आए थे वो पहुँच गए हैं। जो आपको व्यू दिखाना था वो व्यू दिखा दें, और मैं आपको एक बार लुक दिखाता हूँ नीचे से, गर्दन भी टेढ़ी हो जाएगी मेरी यार, दिखाता हूँ। टिक 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 Bam! Here is the big daddy. तो चलते हैं, देखते हैं टिकट वगैरह। यहाँ से एंट्रेंस से देखते हैं क्या सीन है। तो मैं हाँ क्या कह रहा था, मैं इससे पहले भी आया था पर रात के टाइम आया था। ओ दिन के टाइम आया था। यहाँ का जो मेन व्यू है ना स्काई ट्री का, वो रात के टाइम है। अगर आप रात के टाइम देखोगे तो मज़ा है। और ये रहे हमारे छोटू भैया। छोटू भैया ने आज काफ़ी साइकिल चलाई है। छोटू भैया वैसे रोज़ ही बहुत चलाते हैं। आज हमारी लॉन्गेस्ट थी ड्राइव साइकिल की, बहुत लंबा है आज हम लोग। टिकट यहाँ मेरे लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पर टिकट थी 3000 रुपये की थी। 3000 की थी ना? 3500 की, 3500 की थी। ऊपर जाने के लिए 1000 अलग से वो टॉप पे जाना। हाँ तो आप मिडिल तक जाओगे तो 3000 है, और उससे ऊपर टॉप पे जाओगे तो आपकी 4000-4500 बैठेगी टिकट। टिकट का मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या सीन है टिकट। तो आप चाहो तो टॉप से ऐसा टॉप पे जाके आप लंच डिनर करोगे तो ये उसके रेट्स हैं, मेन्यू है। ये टॉप पे रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा व्यू, और ये वाला व्यू तो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, ये वाला। चलते हैं फिर, लेट्स गो। इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए है तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो आके, ठीक है। ये लोग बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये टिकट का आपका सारा है। यहाँ शॉपिंग कर सकते हो यार, काफ़ी बड़ा शॉपिंग हब कह लो इसको। ये सब स्काईट्री के नीचे, ही है। स्काईट्री के 4th फ्लोर पर है ये वाला। काफ़ी रश है।
क्या हो रहा है। अभी हम कम से कम 60 या 70 फ्लोर पर हैं ऑसम व्यू है यार। मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ नीचे से। जहाँ तक देखोगे आपको लाइट नजर आएगी। आप और ये जो व्यू देख रहे हो आप, ये 67 व्यू फ्लोर से आए थे। बहुत ही प्यारा व्यू है यार, सुपर्ब। तो ये कुछ व्यू है यहाँ से। यहाँ पर आने का टाइम वही है, शाम को 5:30 से 6:30 तक आओगे तो आपको ये लाइट्स वगैरह नहीं दिखाई देंगी। ये वाला व्यू भी बहुत अच्छा है, वो जो थोड़ा मिल्की 360 जहाँ से भी व्यू दिखे। और ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तब जाके इतना पास दिख रहा है। जहाँ तक देखोगे आपको लाइट नजर आएगी। आप
और ये जो व्यू देख रहे हो आप, ये 67 व्यू फ्लोर से आए थे। बहुत ही प्यारा व्यू है यार, सुपर्ब। हाय एवरीवन, अब मैं पिछले 15 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बट मैंने अपना कैमरा ही ऑन नहीं करा, तो इसको कहते हैं कई बार हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। पहुँचे हम लोग, टिकट का सीन ये है कि 3,500 और 4,500 की दो टिकट्स हैं। आपको टॉप पे जाना है, 4,500 है, और उससे फर्स्ट, उससे जो उससे पहले का जो है उस तक जाना है, स्पॉट है उस तक, 3,500-3,500 की। तो 1,000 रुपये का फ़र्क है, कोई ज़्यादा वैसा इशू है नहीं। और रहा खाने का सीन, और कोई भी, तो यहाँ पर भाई बहुत एक्सपेंसिव है खाना। अगर आप स्काई ट्री के अंदर खाते हो खाना, किसी भी डाइनिंग में, इटालियन, इंडियन, चाइनीज़, जो भी खाओगे आप, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर हेड बंदे को कम से कम यहाँ पर जापानी मैं मान के चलो 10,000-12,000 रुपये, और इंडिया के कम से कम 8,000-9,000 रुपये लगेंगे ही लगेंगे एक बंदे का खाने पीने में। तो भाई डाइनिंग वाली बाहर से कर लो, क्योंकि सारा पैसा व्यू का है। व्यू तो यहाँ से भी दिख रहा है, खाना खाते समय व्यू लेने का मुझे तो कोई लॉजिक लगता नहीं, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। 3,500 प्लस 4,500 की टिकट है। बाकी मैंने आपको दिखाया था नीचे इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है, वहाँ पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। बस यही था, मेरे घर से यहाँ पर आने में हमें 1.5 घंटा लग गया। 12.5 किलोमीटर मेरे घर से एक तरफ से पड़ा मुझे साइकिल से, तो हमें 1.5 घंटा लगा कम से कम साइकिल से आने में। तो 12.5 किलोमीटर हमने 25 किलोमीटर साइकिल चलाई है आज, खाली ये व्यू दिखाने के लिए आपको, ये व्यू दिखाने के लिए, इस व्यू के लिए। ये व्यू को प्रॉपर दिखाता हूँ आपको तरीके से अभी, क्योंकि मैंने कैमरा सेटअप कर रखा था, मैंने कहा थोड़ा इंटरव्यू कर देता हूँ जगह का। तो ये मेन, ये टोक्यो में ही पड़ता है ना, मेन स्टेशन कौन सा पड़ता है इसका, कुदानसीता के पास है? नहीं, इसका मेन स्टेशन पड़ता है आसाकुसा। तो आपको टोक्यो से, या टोक्यो से आप टोक्यो सेंटर में जाओगे तो आपको आसाकुसा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। डायरेक्ट ट्रेन है वहाँ से, कौन सी लाइन आती है, जोबन लाइन, आपको जोबन लाइन पकड़नी पड़ेगी, जे आर जोबन लाइन है। हाँ, जे आर जोबन लाइन। आप यार स्काई ट्री में यही है घूमने फिरने के लिए, बस इसी व्यू के लिए लोग इतने ऊपर आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं बस इस व्यू को देखने के लिए। क्योंकि ये 360 में आप देख लोगे पूरा जापान आपको दिखाई देगा, पूरा जापान देख सकते हो आप, देखो पूरा जापान आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, जहाँ तक आपकी आँखें देख सकती हो वहाँ तक कुछ नज़र आ ही रहा है मुझे। क्या इसी व्यू के लिए लोग यहाँ पर आते हैं जापान। हो गया हमारा, अब बाहर निकलते हैं कुछ खाते वाते हैं। तो हम लोग आ गए नीचे, अभी नीचे आ गए हैं, और जो भी व्यू दिख सकता था मैंने ऊपर से आपको दिखाया। थोड़ा नीचे घूमते हैं, कुछ खाएंगे, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे। ठीक है, और नीचे ऊपर दिखी था, अब ऊपर नहीं दिखा, अब नीचे आ गए। चैन मेरा ले गईया कि दिल विच कह गईया मित्रा दी करी सब कुछ कह गईया अखियां दु गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया। अंकल डर गए, पता नहीं मेरा वीडियो क्यों बना रहा होगा ये भाई, मुझे देख रहे हैं। आप व्लॉगिंग करते हो ना तो सब आपको बस घूरते हैं कि आप कर क्या रहे हो, अकेले कैमरे से बात करके आप कर क्या रहे हो। तो ये व्यू है, तो वही कह रहा था मैं, हमारा घूमन फिरन जो भी था सब हो चुका है, निकल गए हैं हम लोग, क्योंकि मौसम हो गया काफ़ी ख़राब, मुझे ऐसा लग रहा है तूफान उफान टाइप या बारिश आएगी, तो इससे पहले हम भीग जाएँ। क्यों, और हम साइकिल से आए, 12.5-13 किलोमीटर साइकिल चलानी है हमने अभी, तो हम लोग निकल रहे हैं। हम थोड़ा और घूमते वैसे, तो हम लोग निकल रहे हैं। ठंड हो गई, मैंने जैकेट पहन ली है इसलिए हल्की, इसलिए हम लोग निकल रहे हैं अभी। घर पहुँचते पहुँचते भी टाइम लगेगा अभी थोड़ा, छोटू भी पूरी स्पीड में है। तो
बस यार भीगना नहीं चाहता मैं, आप यहाँ से डायरेक्ट है वैसे तो ट्रेन, अगर जाएं ट्रेन से, अगर आप लोग आओगे तो आप ट्रेन से आ सकते, जा सकते हो। एरिया में यार ये तो अंदर से निकलना पड़ेगा हमें। मज़ा आया घूम के यार, जो मेरा प्रॉमिस था मैं पूरा कर चुका हूँ। मैंने बोला था आपको तो घुमाऊँगा, कोशिश करूँगा, पक्का नहीं था बट मैंने वो पक्का करने की कोशिश करी और पक्का हो गया वो। मज़ा आया, बाकी दिखाता हूँ मैं आपको आगे क्या चलता है, क्या होता है हमारे साथ। मैगडी की लाइन में लगे हैं हम लोग, कुछ खाते हैं अभी। 100 वाला बर्गर बनते थे, 100 यन वाला बर्गर लेंगे, पर 100 यन वाला कोई बर्गर है नहीं यहाँ पर। कौवा बिरयानी भी मिलेगी छोटी भी यहाँ पर, कौवा बिरयानी भी नहीं मिलेगी। तो कॉम्बो लेना पड़ेगा यार, जो भी है कोई भी कॉम्बो लेना ही पड़ेगा। कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, लोग भी आ गए। सिर्फ एक जिले में 850 कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे, ठीक है? निकलते हैं तो यार, निकलते हैं, हिरी मेरी साइकिल, निकलते हैं अभी। बीच में रुकूंगा कहीं तो फिर बात करूंगा, क्योंकि साइकिल चलाते चलाते सेफ नहीं है, ठीक है? अभी 12.5 किलोमीटर साइकिल चलानी है तब जाके हम घर पहुँचेंगे। अभी अभी निकले हैं, थोड़ा अच्छा व्यू था और ट्रैफिक नहीं है, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे। बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा मौसम हो गया है, व्यू बहुत अच्छा है। सामने से साइकिल आ रही है, इससे पहले रास्ता भटक गए हम लोग, छोटे भैया रास्ता पूछ रहे हैं किसी से जाने के लिए किस तरफ से जाना। लाल कलर का घर है ना, ये प्रेसिडेंट ऑफ जापान का घर है, ये शिंजो आबे का। ये सामने रेड कलर की बिल्डिंग है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये देखो लिखा भी ऊपर प्रेसिडेंट जापान, इतनी सिंपलिसिटी से रहते हैं ये लोग हैं। हाँ चलो, ये प्रेसिडेंट ऑफ जापान का घर है शिंजो आबे का। हाँ यार, तो अभी बैठे हुए हैं, छोटू भैया का कोई फ्रेंड मिल गया जो शिंजो आबे का, जो मैंने दिखाया था, सामने रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली रेड कलर की बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, शिंजो आबे जो प्रेसिडेंट है उसका घर है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, कोई गेटकीपर नहीं है, कुछ नहीं है यार, एकदम सिंपलिसिटी के साथ सब कुछ है, नॉर्मल सा घर है। इससे अच्छा घर हमारा होगा इंडिया में, तो मैं वो कंपेरिजन नहीं कर रहा, बट मैं एक सिंपलिसिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत सिंपल से रहता है यार, प्रेसिडेंट भी पता नहीं चलता कि प्रेसिडेंट रहता है यहाँ पर। अब कई बार यहाँ बाहर घूमते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, तो सबसे मिलते हैं लोगों से, अच्छा लगता है, ऐसा ही होना चाहिए फ्रीडम, कभी ना कभी हमारे देश में भी ऐसा हो तो अच्छा है। गाइस फाइनली हम पहुँच गए अपने घर, हम निकले थे यहाँ से 5 बजे शायद, अब 5:30 या 5:30 11 बज रहे हैं, घर पहुंच गए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, बहुत मेहनत करी है मैंने, बहुत अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करी है। आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना यार। बहुत बहुत आज 25 किलोमीटर साइकिल चलाई है मैंने इस व्लॉग के लिए, खाली आप सबको दिखाने के लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, सायोनारा।